मायावती का ट्वीट, सिंगू बॉर्डर मामले पर बोली मायावती, कहा सिंगू बॉर्डर पर हुई घटना अति दुखद। दो दिवसीय दौरे पर अयोध्या जाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन, राम बारात में होंगे शामिल। सीएम ने लिया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी, फरियाद अधिकारियों को दिए निर्देश। कासगंज में बीजेपी नेता पर फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो सिंगू बॉर्डर से आ रही है। आपको बता दें, सिंगू बॉर्डर पर युवक की हत्या का मामले में आरोपी निहंग सरबजीत सिंह को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी ऐसे में, लेकिन 10 दिन की रिमांड दी गई। सिंगू बॉर्डर पर निहंग ने युवक की हत्या की थी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर कल निहंग की तरफ से युवक की हत्या की गई थी, उसमें आरोपी सरबजीत को 10 दिन की रिमांड पर ले लिया गया है पुलिस ने। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 10 दिन की रिमांड दी गई है, और ऐसे में युवक की हत्या से जुड़ा ही पूरा मामला है। दरअसल आपको बता दें कि ग्रंथ को युवक अपने साथ ले गया था, जिसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या की थी। वीडियो भी काफी वायरल हुआ उस पूरे मामले को लेकर। निहंगों ने इसकी जिम्मेदारी ली थी और अब निहंग सरबजीत सिंह को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, सिंगू बॉर्डर पर कल जो कुछ ये पूरी हिंसा हुई, उसमें अब निहंग सरबजीत को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है, और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल पारुल, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 दिन पुरानी ये घटना थी, और ये आरोप निहंग जो है इसमें ये एक किसान युवक की इसमें हत्या की गई थी, तो इसी को लेकर काफी इसका विरोध हुआ था। इस विरोध को देखते हुए पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है। हालांकि 10 दिन की इसकी रिमांड मांगी थी, और अभी पुलिस ने इसको हिरासत में लिया। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से सरेंडर किया है, लेकिन अभी जो भी बातचीत सामने आएगी किस तरह से, मतलब क्या सोचकर इसने घटना को अंजाम दिया है और क्या कारण इसके पीछे हो सकता है, ये सब भी जानना बाकी है। क्योंकि 10 दिन रिमांड पर अगर ये रहेंगे तो रिमांड के बाद जो भी सच निकलकर सामने आएगा उसी पर इस पर विचार किया जाएगा। ये पारुल, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो 26 जनवरी के दौरान हो या फिर अब हो या फिर लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ किसानों के साथ, और किसानों ने जिस तरह की हिंसा की, उस तरह से कहीं ना कहीं ये आंदोलन भटकता हुआ भी नजर आ रहा है। नहीं, साफ तौर पर देखा जाता है पारुल, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती है तो इसमें ये सच एकदम सामने निकल कर आता है की ये किसान नहीं है। एक तरह से अगर किसान और शांतिपूर्ण धरना इनको करने के लिए कहा जाता है, और अगर इस तरह की घटनाएं घटना स्थल पर होती है तो ये साफ तौर पर देखा जाता है कि एक विरोध करने वाली अलग, ये विरोध करने का एक अलग तरीका, और इसमें इस तरह की अपनी आपस की पुनस निकालने वाली बात सामने आती है। क्योंकि विरोध सिर्फ अपनी मांगों को लेकर किया जाता है, ना कि किसी की हत्या की जाए इसको किया जाता है। और इस चीज को आप लेकर अगर कोई किसान ऐसी घटना को अंजाम देता तो किसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी पहचान किसान के तौर पर कैसे कर पाएंगे। इस तरह की घटना का अगर उसको इस तरह की घटना को अगर अंजाम दिया गया तो किसी तरह का किसान आंदोलन से इसे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, कि इसको बिल्कुल साफ तौर पर आरोपी है, ऐसे आरोपी को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम सिंगू बॉर्डर से आपको बता रहे हैं, जहां पर निहंग ने युवक की हत्या की थी, और उसी पूरे मामले में अब 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड दी है। सिंगू बॉर्डर पर निहंग ने कल युवक की हत्या की थी, जिसके बाद अब उसे पुलिस रिमांड पर 10 दिन के लिए भेज दिया गया है। सिंगू बॉर्डर पर हुई हत्या को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें, इस बीच इस मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया है, और मामले में मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सिंगू बॉर्डर पर दलित युवक की हत्या अति दुखद है, और पुलिस को इसके दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही अपने ट्वीट में मायावती ने पंजाब सरकार से पीड़ितों को 50 लाख की मदद देने की भी मांग की है।
तो सिंगो बॉर्डर पर कल जिस तरह से ये युवक की हत्या की गई उसके बाद सियासत भी अब गर्माती जा रही है। मायावती ने ट्वीट किया है और लिखा है कि ये घटना अति दुखद है और ऐसे में पंजाब सरकार से पीड़ितों को 50 लाख की मदद देने की भी मांग की है। आने वाले यूपी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर पार्टी यूपी का रण जीतने की पुरजोर कोशिश में है और इसी के चलते यूपी में राजनीतिक पार्टियों के दौरों का दौर भी लगातार जारी है। बता दें कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव 18 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो मुजफ्फरनगर में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं, ऐसे में अखिलेश यादव भी लगातार दौरे कर रहे हैं यूपी में कई जिलों का। ऐसे में अब 18 अक्टूबर को वो मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए भी अखिलेश यादव नजर आएंगे। तो 18 अक्टूबर को अखिलेश यादव का मुजफ्फरनगर दौरा है, ऐसे में वहाँ पर चुनाव से पहले जाकर वो जनता को साधने की कोशिश करेंगे, जनता को अपनी ओर करने की कोशिश करेंगे, जनसभा भी करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो इसको देखते हुए हर पार्टी और हर नेता इस रण को जीतने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसी के चलते यूपी में तमाम राजनीतिक पार्टियों के मुखिया या तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता अलग अलग जिलों में जाकर लोगों से सीधा संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें साधने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अब अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर दौरे पर रहेंगे 18 अक्टूबर को, यानी कि सोमवार को, और वहां पर जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता तस्लीम राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तस्लीम, अखिलेश यादव 18 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, 18 अक्टूबर को खुद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कश्यप समाज के एक महासम्मेलन को संबोधित करेंगे और वहाँ मतलब मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रही हैं, लगातार तमाम जो रैलियां हैं और इस तरह के महासम्मेलन है, लगातार तावड़तोड़ सिलसिला जारी हो चुका है, ताकि जो विधानसभा चुनाव है उसमें आने वाली सत्ता पर अपने जो तमाम पार्टियां हैं काबिज होना चाहती हैं। तो ऐसे में खुद 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर खुद पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुढ़ाड़ा पहुंचेंगे और वहीं कश्यप समाज के महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल। तस्लीम, तैयारियां किस तरह से चल रही हैं और क्या क्या और कुछ उनका कार्यक्रम है वहां पर? देखिए, बता दूं आपको, तैयारियों को लेकर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बात करें, तमाम जो वहाँ के क्षेत्र अधिकारी हैं और वह उप जिलाधिकारी हो या फिर तमाम स्थानीय दिग्गज नेता हों, लगातार सभा स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। और वहीं हेलीपैड है उसको पूरी तरह से तैयार किया गया है, क्योंकि 18 अक्टूबर को अखिलेश यादव पहुंचेंगे। जो तैयारियां हैं लगभग पूरी तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और वहीं बता दें, तमाम जो आसपास के दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी के, लगातार उनका जमावड़ा सभा स्थल पर लगना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल तस्लीम, और जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे वहां पर, तो कितनी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है? देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल बता दूं आपको, ये कश्यप समाज का महासम्मेलन है। ऐसे में कश्यपों को साधने के लिए, कश्यप समाज को साधने के लिए और एकजुट करने के लिए इस महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों की जुटने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिसको लेकर तमाम जो रूपरेखा है उसको प्रशासन तैयार करने में लगा है। तमाम जो स्थानीय नेता है उसकी तमाम रूपरेखा तैयार करने में लगा है, ताकि जो महासम्मेलन है इसको सकुशल संपन्न किया जा सके। इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में लगे हैं तमाम प्रशासनिक अधिकारी और वह तमाम जो स्थानीय नेता है। जी चलिए तस्लीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अखिलेश यादव 18 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो कश्यप समाज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे और कश्यप समाज से जुड़े लोगों को भी साधने की कोशिश करते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से 2 दिवसीय यूपी के दौरे पर हैं, जहां वो शनिवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सीएम धामी 3:45 बजे के करीब अयोध्या पहुंचेंगे, वहीं 4:30 बजे धामी हनुमान गढ़ी पहुंचेंगे और राम जन्मभूमि तक जाने वाली राम बारात में शामिल भी होंगे। तो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आज अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं, 3:45 बजे के करीब वो अयोध्या पहुंचेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, वहीं इस दौरान कई फरियादी उनके पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी फरियाद लेकर आए सभी फरियादियों की परेशानियों को सुना, साथ ही मामले में अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश भी दिए। बता दें कि सीएम ने जनता दरबार हिंदू सेवा आश्रम में लगाया था। तो मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया, जहां पर वहां पहुंचे फरियादियों से सीएम ने सभी की समस्याएं सुनी और ये जनता दरबार हिंदू सेवा आश्रम में लगाया गया था। साथ ही उन सभी लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये जनता दरबार लगाया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से फरियादी वहां पर अपनी अपनी परेशानी शिकायतें लेकर बैठे हुए हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी कराया गया वहां पर बखूबी और सीएम योगी ने हर किसी की समस्याएं सुनी, साथ ही उनके साथ जो अधिकारी मौजूद थे उन सभी समस्याओं का निस्तारण करने के आदेश भी देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मृत्युंजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, आज सीएम ने जनता दरबार लगाया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए मैं बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह जनता दरबार लगाई है, जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद थे, एडीजी, कमिश्नर और डीएम सारे लोग मौजूद थे। उसमें कड़े निर्देश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि जल्द से जल्द जो भी लोग हैं उनकी जो है निस्तारण होनी चाहिए और जो भी फरियादी हैं उनकी जो है आप लोग स्वयं सुने और ये हमारे पास जो है आने से पहले इसकी निस्तारण होनी चाहिए। जी बिल्कुल मृत्युंजय, और कितने लोग अपनी शिकायत लेकर वहां पर पहुंचे थे और कितने फरियादियों का समस्याओं का वहीं पर निस्तारण कर दिया गया? जी इस यहाँ पे लगभग ऐसे जो है 27 ऐसे मामले थे जो निस्तारण हुए थे और बाकी जो है जितने फरियादी हैं उनके तत्काल निस्तारण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है आदेश दिए अधिकारियों को। जी चलिए मृत्युंजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जनता दरबार लगाया है, जहां पर पहुंचे सभी फरियादियों की फरियाद भी सुनी उन्होंने, साथ ही निस्तारण के लिए आदेश भी दिए और 27 फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी कर दिया गया। देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है, वहीं अगले कुछ घंटों में दिल्ली में भी मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में पानी गिरने की संभावना है। इसके साथ ही यूपी, उड़ीसा समेत दक्षिण भारत में शनिवार को हल्की बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। तो लगातार मौसम बदलने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें अभी भारत में कई राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है, ऐसे में मौसम बदलने की और बारिश की भी संभावना जताई गई है। यूपी समेत कई राज्यों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, दिल्ली में भी बारिश की मौसम विभाग की तरफ से संभावना जताई गई है।
कासगंज में वरिष्ठ बीजेपी नेता पर फायरिंग की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि फायरिंग के दौरान बीजेपी नेता श्याम सुंदर गुप्ता की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं गोलीबारी की ये वारदात नेता के आवास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि पुलिस की ओर से मामले में कासगंज सिटपुरा नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये दो पक्षों में सिरपुरा में पेट्रोल पंप के किसी इशू को लेके झगड़ा हुआ था, उसमें पुलिस को मौखिक रूप से जो है वो फायरिंग की सूचना मिली थी। अभी सभी सीसीटीवी कैमरा इत्यादि इसमें चेक किए जा रहे हैं। साथ ही में जो वादी पक्ष है उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो भी व्यक्ति इसमें असला से अगर कोई फायरिंग हो रही हो तो गिरफ्तारी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही में आर्म्स एक्ट में भी इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आगरा में मूर्ति विसर्जन के लिए जाते समय दो पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें एक पक्ष के लोग घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष ने मौके पर मौजूद दारोगा पर मारपीट का आरोप भी लगाया। पीड़ित का कहना है कि जब मारपीट हुई तो मौके पर मौजूद पुलिस ने उनकी कोई सहायता नहीं की। वहीं इसी मामले को लेकर अब पीड़ित युवक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो आगरा का पूरा मामला है, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में भिड़ंत हो गई, मारपीट हो गई। ऐसे में पीड़ित पक्ष ने मामले की न्याय की गुहार लगाई है। मामले में साथ ही दारोगा पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया है। मथुरा में एक युवक की हत्या कर गाड़ी से कुचलने का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने एक सड़क पर जा रहे युवक को पहले गोली मार दी, फिर उसकी गाड़ी से उसे कुचल दिया और उसकी हत्या कर दी। वहीं मामले की शिकायत करने गए पीड़ित परिवार ने पुलिस पर मुकदमा दर्ज न करने का आरोप भी लगाया है, जिसके बाद परिजनों ने युवक के शव को सड़क पर रख कर जाम लगा दिया और मामले में जांच की मांग की है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने काफी समझाने के बाद जाम को खुलवाया है। तो मथुरा का पूरा मामला है, जहां पर युवक की हत्या कर आरोपी फरार हो गया। ऐसे में परिजनों ने गुस्से में आकर सड़क पर ही शव को रखकर जाम लगा दिया और साथ ही पुलिस पर कार्रवाई न करने का, मुकदमा न लिखने का परिजनों की तरफ से आरोप लगाया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, भारी संख्या में भीड़ वहां पर मौके पर इकट्ठा हो गई। हालांकि जब पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। साथ ही वहां बैठे परिजनों को समझा बुझा कर जाम भी खुलवा दिया है। मेरा भैया मार दो, 30 साल भैया मेरे भैया, देख जाको आदमी जाई छोरा को बाप और वही फिर मुझे भतीजो मारे हो मेरे। किसने मारा है इनको? राधा चरण ने, काके रहने वाले राधा चरण ने, गोपाल ने, लक्ष्मण ने, विनोद ने, काके रहने वाले मुकेश ने, रामू ने, के लड़के ने 5 मटर करके घर में 5 मटर। चलिए मथुरा से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट मिल रहा है? लगातार देखिए जिस तरह से परिजन पुलिस पर कार्रवाई न करने की मांग आरोप लगा रहे थे कि मुकदमा पुलिस की तरफ से नहीं दर्ज किया गया है, तो क्या अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है? जी, मैं आपको बता दें पूरा मामला मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र का है, जहां पर एक 34 वर्षीय युवक अशोक की विगत दिनों हत्या कर दी गई थी और जिसके बाद जैसे उसकी हत्या की जानकारी उसके परिजनों को मिली तो उनमें हाहाकार मच गया और जिस तरह से परिजनों का कहना था कि उनकी पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, थाना रिफाइनरी में कोई पुलिस ने जो है वो दर्ज मुकदमा भी नहीं किया अभी तक। उसके बाद उनका आक्रोश छूट गया और जो मृतक था उसके सब को रखकर हाईवे पर जाम लगा दिया, जहां पर पुलिस ने पहुंचकर जो है पुलिस की आलमदारी पहुंचे और उन्होंने मामले को शांत कराते हुए मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद ये जो है हाईवे खाली कराया गया है। लेकिन अभी तक जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने उनकी जो आरोपी के खिलाफ जो परिजन है उनकी तहरीर का इंतजार कर रहा है, क्योंकि तहरीर अभी पुलिस को लिखित में नहीं मिली है जी। तो उसको लेकर के अभी मामला जो है जांच पड़ताल में चल रहा है।
बिल्कुल सुरेश, एक जिस तरह से इस युवक ने हत्या कर दी गई युवक की और गाड़ी से कुचलने का मामला भी सामने आया है, तो कौन लोग वो थे जो गाड़ी में बैठे थे और क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या इस बारे में कोई जानकारी? जिस तरह से जानकारी मिल पा रही है, वो गाँव के जो मृतक है उसके गाँव के पास के ही लोग थे और उनसे पहले से कोई पुरानी रंजिश के चलते हत्या को जो घटना को अंजाम दिया गया है। उससे पहले ये भी बताया गया परिजनों ने कि जो आरोपी है उन्होंने पहले भी कई लोगों की हत्या कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस जिस तरह से योगी कहते हैं कि या तो बदमाश अंदर होंगे या ऊपर होंगे, लेकिन ना तो ये अंदर है ना ऊपर है, तो आज इस तरह से देखा जा सकता है कि योगी के जो दावे थे वो आकर बिल्कुल जमीनी हकीकत में बिल्कुल साफ जो है झूठे नजर आते हैं। और ये आरोपी आज ही बेखौफ इस तरह से लोगों की हत्या करके और कुचल करके उनको मौत की घाट उतार देते हैं, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाती है। अब देखना है कि पुलिस इसके आगे क्या कार्रवाई करती है, और पुलिस ने अभी तक जिस तरह से जो परिजनों ने बताया उन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, पुलिस उसकी उनकी सुन नहीं रही है और किसी को ना तो गिरफ्तार किया ना ही जो है उनका कोई FIR दर्ज की। उसी के बाद आक्रोश होते हुए लोगों द्वारा हाईवे जाम किया गया था। जी बिल्कुल सुरेश, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि पहले भी कई लोगों की हत्या कर चुके हैं और पुलिस ने तब भी उन्हें गिरफ्त में नहीं लिया था और अब भी ये लोग फरार हैं, तो क्या ये युवक को पहले भी परेशान करते थे या सीधा इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया? जी जिस तरह से अभी तक हमारी जो लोगों से बात हुई उनका बहुत ज्यादा अच्छी से, चूंकि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का वहाँ पे लोगों में शोक है, मातम पसरा हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं बता पा रहे हैं जी। लेकिन जिस तरह की जानकारी मिल रही थी कि ये लोग पहले भी इस तरह की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और उसके बावजूद भी आज खुले हवा में सांस ले रहे हैं, ना तो पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर पाई है और ना ही अभी तक जो योगी के दावे थे, या तो अपराधी बाहर अंदर होंगे या फिर भगवान ऊपर, उनका दूसरा रास्ता ऊपर है, तो ना तो ये इलाका छोड़ पाए और ना ही अंदर है, तो इनके मंसूबे जो है वो साफ तौर पर इस घटना से भी साफ दिखते हैं कि ये चाहे सरकार कोई भी हो किसी की भी हो, इनके अपने जो हौसले हैं वो हमेशा बेखौफ इसी तरह से आगे भी जारी रहेंगे। बिल्कुल सुरेश, पीड़ित परिवार पुलिस पर मुकदमा दर्ज न करने का आरोप भी लगा रहा था, हालांकि जब पीड़ित परिवार ने सड़क को जाम किया और हंगामा किया तब शायद उसके बाद पुलिस वहां पहुंची और जाम खुलवाया समझा बुझा कर, लेकिन जिस तरह से देखिए आप भी लगातार ये जानकारी दे रहे हैं, ये पहले से भी इस तरह की वारदातों को अंजाम देते आए हैं लेकिन फिर भी पुलिस चुप बैठी है और साथ ही पीड़ित परिवार पर ही पुलिस जो है दबाव बना रही थी कि मुकदमा ना लिखवाया जाए क्योंकि आरोप लगातार पुलिस पर ही लग रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से मथुरा पुलिस की जो कार्यशैली को देख करके नजर आ रही है, जो परिजन आरोप लगा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि पुलिस भी इस मामले में कहीं ना कहीं जो है लापरवाही हिला हवाली कर रही है और जो परिजन है वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। हालांकि जो वरिष्ठ अधिकारी जब वहां मौके पर पहुंचे पुलिस के, तो उन्होंने उनको शांत किया, मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया है, उसके बाद ही वो लोग जो है उनका गुस्सा शांत हो पाया है और जाम खुल पाया है। जी चलिए सुरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मथुरा का ये पूरा मामला है जहां पर बदमाशों ने गाड़ी से कुचलकर एक युवक की हत्या कर दी, हालांकि परिजनों ने पुलिस पर मुकदमा न दर्ज कराने का आरोप भी लगाया, लेकिन जब परिजन सड़क पर शव को रख कर बैठ गए, जाम लगा दिया, हंगामा किया, तो उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने समझा बुझा कर उस जाम को खुलवा दिया। मेरठ में एक और नवविवाहिता के खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मवाना थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने फांसी के फंदे पलटक का आत्महत्या कर ली, वहीं इस मामले में महिला के परिजनों ने महिला के ससुराल पक्ष पर महिला की हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने पति देवर समेत ससुर को भी हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आगरा में ईदगाह स्थित एक होटल में आग लगने से हादसा हो गया, वहीं आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है और इस हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।